आगे मैं मुफ्ती साहब बढ़ता हूँ कि एक जैसे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के अगर हम ये कहें तो उसमें कहा जाता है कि अल्लाह ताला रहमान और रहीम है, और अल्लाह ताला के जो 99 नाम है उसमें रहमान और रहीम भी आता है। तो क्या लेकिन फिर जो हमारे आर्य समाज के जो दोस्त है और हमारे कुछ हिंदू भाई भी ये सवाल करते हैं कि फिर आप बकरा ईद के ऊपर इतने सारे जानवरों को आप जबा करते हो, उनकी कुर्बानी देते हो, तो क्या अल्लाह ताला सिर्फ इंसानों के ऊपर ही अपनी रहम और एहसान करते हैं, जानवरों के लिए वो रहमान और रहीम नहीं है? तो इस पे आप थोड़ी वजाहत करें। ये सवाल कोई नया नहीं है, ये सवाल बहुत पुराना है और आर्य समाज के लोग गुज़िश्ता 150 साल से ये सवाल कर रहे हैं और 150 साल में हमने हजारों मरतबा इस सवाल का जवाब दिया है। इसीलिए इस सवाल का जवाब मेरे पास एक नहीं है बल्कि 5 हैं, ठीक है। और उसके लिए थोड़ा सा मुझे वक्त दरकार होगा इन 5 जवाबों को मुख्तसरन बयान करने में, ठीक है। जी सबसे पहली बात तो ये समझिए कि हम अगर जानवरों को बगैर किसी अल्लाह अल्लाह ताला की इजाजत के, बगैर अल्लाह ताला की, बगैर जो कि मालिकुल मुल्क है, पूरी कायनात का मालिक है, उसकी इजाजत के बगैर अगर हम जानवरों को सताएं तब तो वाकई जुल्म हो। लेकिन जब हम अल्लाह को, परमेश्वर को मालिकुल मुल्क मानते हैं, यानी इस पूरी कायनात का मालिक मानते हैं, तो कायनात के अंदर तो जानवर भी तो आ गए ना, तो जानवरों का भी मालिक है। अब अगर वो ये कहता है कि भाई इन जानवरों को तुम खा सकते हो और उन जानवरों को ना खाओ, इस उसकी इजाजत के बावजूद भी अगर हम उन जानवरों को हलाल न समझें तो ये बड़ा जुल्म है कि मालिक ने अलाउ कर दिया उसके बावजूद भी हम उसको हलाल नहीं समझ रहे, ये ज्यादा जुल्म है, बड़ा बड़ा जुल्म है। एक तो बात ये है, दूसरी बात, दूसरा जवाब देखिए, जुल्म आपने कहा कि भाई जानवरों को खाना जुल्म है, जुल्म के मुख्तलिफ दर्जात हैं, ठीक है। कम दर्जे का जुल्म, ज्यादा बड़े दर्जे का जुल्म, लेकिन जुल्म होने में सब चीजें सब बराबर के शरीक होते हैं। मिसाल लीजिए, अगर आपके नजदीक जानवर को काटना और उसको खाना जुल्म है, तो फिर भाई जानवर के ऊपर सवारी करना भी जुल्म है, क्योंकि आप जानवर से पूछ के नहीं बैठते उसकी पीठ के ऊपर कि जी जनाब मैं आपकी पीठ के ऊपर सवारी कर सकता हूं कि नहीं, और वो सर हिलाकर जवाब देता होगा हाँ जी बैठ जाओ, ऐसा नहीं होता। आप उसको, आपने उसको खरीदा, आप उसके मालिक हैं, आप उसके ऊपर, उसकी पीठ के ऊपर बैठ जाते हैं, ये भी जुल्म का एक दर्जा है, ठीक है। उससे दूध निकालना, गाय का दूध निकालना, क्या आपने गाय से पूछा है कि जी दूध निकाल लें आज, या आज आप अपने बछड़े को पिलाएंगी, ऐसा तो नहीं होता ना। आप उसकी, आप सिर्फ इसलिए कि मेरी मिल्कियत में ये गाय है इसलिए मैं इसका दूध निकालूंगा, महज इस वजह से आप उसका दूध निकाल लेते हैं, ये भी एक जुल्म है। क्योंकि जो चीज उसने आप, यानी मैं आपसे कोई चीज आपकी इजाजत के बगैर ले लूं, तो क्या ये नहीं कहा जाएगा कि मैंने आपके ऊपर जुल्म किया, और आप जो है गाय का दूध उसकी इजाजत के बगैर ले रहे हैं, ये भी जुल्म का एक दर्जा है। तो ऐसे ही अगर गोश्त खाना या किसी जानवर को हलाल करना, जिबाह करना, अगर ये जुल्म है तो ये भी सारे जुल्म है, चूंकि ये बगैर इजाजत के आप जानवर के इजाजत के बगैर करते हैं, जुल्म होने में सब शरीक है। आप ये कह सकते हैं कि एक छोटा जुल्म है एक बड़ा जुल्म है, लेकिन अगर आप छोटा जुल्म को, छोटे जुल्म को जायज करार समझते हैं और उसको मुनासिब समझते हैं, तो फिर बड़ा जुल्म जो है उसको भी जायज समझिए, ठीक है। आगे चलिए, मिसाल के तौर पर तीसरा जो जवाब है वो ये है कि हम बहुत आसानी के साथ इस बात को नॉर्मल समझते हैं कि जानवर की पीठ के ऊपर हम सवार हों, लेकिन जब हम जानवर के ऊपर सवार होते हैं ना, तो जानवर का जो जिस्म है वो हमारे जिस्म की सवारी बनता है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसी जानवर को मसलन हलाल करें, जिबा करें और उसको खा लें, अब जो उसका गोश्त है वो हमारी रूह की सवारी बनता है, ठीक है। जब तक कि हमने उसको नहीं खाया वो हमारे जिस्म की सवारी है, जब हमने उसको खा लिया अब वो हमारे रूह की सवारी है। जिस्म और रूह के दरमियान अगर आप कंपैरिजन करें ना, तो रूह जो है वो हमेशा आला और यानी बलंद चीज, पवित्र, हाँ वो ज्यादा पवित्र, उसको सटल कहते हैं, वो लतीफ है, और जो जिस्म है वो एक अदना दर्जे का है। यही वजह है कि रूह गंदा गंदी जल्दी गंदगी कबूल नहीं करती, लेकिन जिस्म जो है रोजाना गंदा होता है, और अगर रूह गंदी होती है तो वो जिस्म के गंदा होने की वजह से गंदी होती है। तो ये चीज जानवर के लिए भी शरफ और उसकी इज्जत का बाइस है कि वो पवित्र चीज की सवारी बने, ना कि वो उस चीज की कि जिस जिस्म के ऊपर गंदगी दिन रात लगी रहती है, ठीक है। ये आपका तीसरा जवाब हुआ। चौथा जवाब सुनिए, वो लोग जो इस पर एतराज करते हैं कि जी जनाब जानवरों को जिबा करना गलत है और जुल्म है, आम तौर से ये वो लोग हैं जो अगले जन्म का अकीदा रखते हैं, ठीक है। आप भी मानते हैं कि भाई वो ये कहते हैं कि भाई हम मरने के बाद दोबारा हमारा जन्म होगा, और जन्म जब तक होता रहेगा जब तक कि मुक्ति ना मिले। तो उनके यहां यह अकीदा है कि अगर एक इंसान अपनी जिंदगी में बुरे काम करता है
और उसके कर्म जो है खराब हैं, तो अगले जन्म में वो जानवर, उसकी रूह जो है वो जानवर के जिस्म में कैद हो जाती है पुनर्जन्म में, अगले जन्म में, ठीक है। अब हम जब उस जानवर को जिबा करते हैं तो भाई आपको तो हमारा एहसान मंद होना चाहिए कि जिस आदमी की उसके खराब कामों की वजह से रूह एक जानवर के जिस्म में कैद है, हमने उसको जिबा किया और रूह को जो है मुक्ति दिला दी, और जिस्म को हमने अपने जिस्म का, उसके जिस्म को, जानवर के जिस्म को हमने अपने जिस्म का हिस्सा बना लिया, ना कि आपको इस पर एतराज होना चाहिए कि आप जो है उस यानी जो बुरे कर्म की वजह से जिसकी रूह जो है जानवर के जिस्म में ट्रैप है, हम उसको ट्रैप होने दें जब तक कि वो जानवर खुद ना मरे, हम तो उसको काटकर उसको जिबा करके उसकी उसकी जो रूह है उसको मुक्ति दिलाते हैं, ठीक है। ये आपका जो है चौथा जवाब हुआ। अब पांचवा जवाब वो सुनिए कि अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म में कोई भी चीज बिला जरूरत नहीं बनाई है। परमेश्वर ने, सुप्रीम बीइंग ने हमारे जिस्म में, इंसान के जिस्म में या जानवर के जिस्म में कोई भी चीज बिला जरूरत नहीं बनाई है। चीज हिकमत की वजह से, जरूरत की वजह से बनाई गई है। हमारी दो आंखें इसलिए हमें जरूरत है, हमारे दो कान इसलिए हमें जरूरत है, हमारी एक नाक है इसलिए हमें एक ही नाक की जरूरत है, ठीक है। इसी तरीके से इंसान के आप दांतों का स्ट्रक्चर देखिए कि दांतों के स्ट्रक्चर में आपके फ्लैट दांत भी आते हैं और नोकीले दांत भी आते हैं। ये इस बात की दलील है कि इंसान को इसलिए बनाया गया है ताकि वो गोश्त भी खाए और सब्जी और फल भी खाए, दोनों चीजें खाने के लिए। और जो दरिंदे हैं उनके अंदर सिर्फ नोकीले दांत हैं, और जो जनाब आपकी गाय भैंसे और बकरियां हैं उनके अंदर सिर्फ फ्लैट दांत हैं। तो अल्लाह ताला ने इंसान को दोनों तरह के दांत इसलिए दिए हैं ताकि फितरतन वो दोनों तरह की चीजों को खा ले। तो अगर कोई आदमी ये कहे कि नहीं जी जानवरों को खाना तो रहम के खिलाफ है, जानवरों को खाना तो फितरत के खिलाफ है, तो वो आदमी दरअसल जो इंसान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है और उसकी जो साइंस है उसको नहीं समझता। हाँ इतना जरूर है कि इस्लाम ने हर तरह के जानवरों को हलाल नहीं किया है, कुछ जानवर हलाल हैं कुछ जानवर हराम हैं, और उसकी वजह यह है कि जिन जानवरों को हराम करार दिया है, दरअसल इसलिए हराम करार दिया है कि उनकी तबीयत और उनकी सिफत का, उनके अंदर जो क्वालिटी है खाने की वजह से वो क्वालिटी इंसान के अंदर मुंतकिल होती है। मिसाल के तौर पर खिंजीर को इस्लाम में हराम इसलिए करार दिया गया है, एक तो यह कि उसके अंदर नजासत और गंदगी है, और दूसरे ये कि उस गंदगी की वजह से उसके अंदर बेहयाई बहुत है। गोरे जो लोग हैं, जो गोरे अंग्रेज हैं, उनके अंदर बेहयाई इतनी क्यों होती है, इस कदर बेहयाई के इतना, यानी इंडिया के जो मूवी इंडस्ट्री है वो भी पीछा करते करते थक गई लेकिन वहां तक पहुंची नहीं पाती, वो बेहयाई में इतना आगे निकले हुए हैं वेस्टर्न्स। उसकी वजह यह है कि दिन रात की उनकी खुराक जो है वो खिंजीर है। उस बेहयाई की वजह से इंसान के अंदर बेहयाई आती है, इसलिए इस्लाम ने सुअर को, खिंजीर को मुसलमानों के लिए जायज करार नहीं दिया। इसी तरीके से जो दरिंदे हैं उनको जायज इसलिए करार नहीं दिया चूंकि दरिंदों के अंदर जो सिफत है वो है बद अखलाकी और खुदगर्जी। अगर दरिंदे को भूख लगेगी तो वो सामने वाले को मारने में दो मिनट नहीं लगाएगा, सामने वाले जानवर को, उसको सिर्फ भूख लगने की देर है, वो खुद गर्ज है। इसलिए दरिंदों को और खिंजीर को इस्लाम में इंसान के लिए जायज करार नहीं दिया गया है। हाँ जिन जानवरों के अंदर ऐसी सिफात नहीं है उन जानवरों को हलाल करार दिया गया है। ये एक बुनियादी सी कॉन्सेप्ट है इस्लाम का, अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लेंगे तो कोई एतराज नहीं होगा, कोई आदमी एतराज नहीं करेगा कि अल्लाह ताला ने जानवरों को हलाल करके उनके ऊपर तो रहम नहीं किया, बल्कि उनके ऊपर रहम किया है इसीलिए हलाल किया है। ब्रिटानिका की proandcon.org, ये ब्रिटानिका जो वेबसाइट है, मशहूर इंसाइक्लोपीडिया है, ये उसी का एक हिस्सा है और ये आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा जी। तो इसमें जो बात की गई है वो इस तरीके से और बड़े अच्छे अंदाज से इसको पेश किया गया है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा, जो कुछ है वो साइंटिफिक बुनियादों पर है, चूंकि कुछ लोग साइंस को अपना खुदा मानते हैं, साइंस को ही अपनी जन्नत मानते हैं और साइंस ही उनकी दोजख है, तो ठीक है वो आज उनकी दोजख में उनको जलाते हैं कि साइंस इस ताल्लुक से क्या कहती है। इसमें जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर प्रो एंड कॉन, तो एक तरफ वेजिटेरियनिज्म के हक में दलील दी गई है और दूसरी तरफ मीट ईटिंग के हक में दलील दी गई है और उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट पेश किया गया है। तो सबसे पहली जो दलील है, मैं पूरा आपको नहीं पढ़ के सुनाऊंगा इल्ला ये कि कोई अहम पॉइंट हो। तो सबसे पहली जो चीज है जो हिंदुओं की तरफ से भी जिस पर एतराज किया जाता है और आम जो एथीस्ट वेजिटेरियंस हैं उनकी तरफ से भी ऑब्जेक्शन किया जाता है। बाय द वे एक चीज साइड नोट के तौर पर, बल्कि लाइट नोट के तौर पर कहूंगा कि जितने आपको एक्स मुस्लिम दिख रहे हैं ना इंडिया में, ये सारे के सारे गोश्तखोर हैं। तो ये इस्लाम छोड़ देंगे लेकिन गोश्त की लत नहीं छोड़ेंगे। ये लत ऐसी है कि जिसको लग जाए तो वो भी मुसलमानों के महल्ले में आकर
मगरिब के बाद कबाब जरूर खाता है, क्यों सैम स्टार? क्या हाल चाल, क्या सही कहा मैंने? बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर, बिल्कुल सही फरमाया आपने। हमारे महल्ले में, इंडिया में कुछ कबाबों की दुकानें आजकल खूब चल रही हैं, और ग्राहक कौन है वो आप जानते हैं कौन है, तो दूसरे महल्ले से आते हैं लोग और लाइन लगा कर कबाब खाते हैं। तो ये लत वो है कि जिसको लग गई उससे छुटे ना। तो अलबत्ता एक्स मुस्लिमों का फायदा ये हुआ है इस्लाम छोड़कर कि गोश्त के पहले, गोश्त खाने से पहले पहले अब वो शराब भी नोश कर रहे हैं। तो पहले होता था कि जब तक इस्लाम में थे तो शराब की तो आजादी नहीं थी, बस गोश्त खाओ ठीक है, लेकिन अब शराब, अब गोश्त के साथ साथ शराब भी, यानी शराब और कबाब दोनों मिल रहे हैं। तो ये इस्लाम छोड़कर उनका दुनियावी फायदा हुआ है, इसमें मैं उनको कह सकता हूँ कि हाँ भाई चलो ठीक है, शराब और कबाब के चक्कर में आपने ये काम सही किया, ये अलग बात है कि आखिरत आप अपनी, आपने अपनी तबाह कर ली। सो दैट वाज अ लाइट नोट। वो प्रो वन जो है, यानी जो दलील है पहली इन लोगों की, वो ये कि इट इज क्रूल एंड अनएथिकल टू किल एनिमल्स फॉर फूड व्हेन वेजिटेरियन ऑप्शंस आर अवेलेबल, कि भाई जब वेजिटेरियन ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो जानवरों को मारना ये बहुत ज्यादा वहशियाना अमल है, गैर अखलाकी अमल है, स्पेशली बिकॉज रेजिंग एनिमल्स इन कन्फाइनमेंट फॉर स्लॉटर इज क्रूल एंड मेनी एनिमल्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स आर नॉट स्लॉटर्ड ह्यूमेनली, कि वो ये कहते हैं कि बाजाब्ता जो जानवरों के जो खास बाड़े होते हैं उनमें जानवरों को पालना इस मकसद के से कि उनको स्लॉटर किया जाएगा, ये एक बहुत ही गैर अखलाकी और वहशियाना अमल है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में अक्सर जो जानवर हैं वो अच्छे तरीके से ह्यूमेन अंदाज में स्लॉटर्ड नहीं किए जाते। तो यानी बुनियादी दलील ये है कि भाई ये बहुत ज्यादा तकलीफदा अमल है इन लोगों के लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जानवरों को अपने मुंह के जायके के लिए जानवरों को तकलीफ देने का क्या मतलब है? तो इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट के तौर पर जो बात कही जाती है वो ये है कि ईटिंग मीट इज नेचुरल, नॉट क्रूल और अनएथिकल। सबसे पहली बात तो ये कि एक नेचुरल अमल है, यानी इंसानियत की तारीख में आप पीछे चाहे जहां तक चले जाएं आपको यही मिलेगा कि इंसान गोश्त खोर रहा है, ये एक नेचुरल अमल है, और इसको वहशियाना अमल कभी नहीं कहा गया, इसको गैर अखलाकी अमल कभी नहीं समझा गया। अच्छा, उसके बाद आगे इस आर्टिकल में यह भी लिखा है कि वेजिटेरियंस मिस्टेकनली एलिवेट द वैल्यू ऑफ एनिमल्स लाइफ ओवर प्लांट लाइफ, कि जो वेजिटेरियंस हैं, सब्जी खोर हैं, ये गलती से जो एनिमल लाइफ है उसको ज्यादा अहमियत दे देते हैं प्लांट लाइफ के ऊपर। वो समझते हैं कि प्लांट लाइफ की अहमियत ज्यादा, सॉरी एनिमल लाइफ की अहमियत ज्यादा है प्लांट लाइफ के ऊपर, हालांकि ऐसा नहीं है। रिसर्च शोज दैट प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड इलेक्ट्रोकेमिकली टू थ्रेट्स, रिसर्च से ये पता चलता है कि जब प्लांट्स को कोई खतरा होता है तो वो भी इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स भेजते हैं और उस तरीके से अपने खतरे के यानी अपने खौफ का इजहार करते हैं। तो ये जो खौफ का इजहार करना है, इसका मतलब ये कि उनमें भी किसी न किसी हद तक सेंस है, उनमें भी किसी न किसी हद तक शुरूर है। तो अगर बस ये है कि अभी हम उस शुरूर को अपनी नेकेड आईज से महसूस नहीं करते, जबकि हम जानवरों के अंदर जो शुरूर है उसको हम अपनी नेकेड आईज से महसूस कर लेते हैं, लेकिन साइंस का नेकेड आईज से महसूस करने न करने से कोई ताल्लुक नहीं है। साइंस तो डीप में जाकर देखती है कि असल किसी चीज के पीछे वाकया क्या है। अगर नेकेड आईज से बिलीव करना ही या देखना ही साइंस की बुनियाद होती तो फिर तो जो डार्विनियन एवोल्यूशन है वो बिल्कुल औंधे मुंह गिर पड़ा था, चूंकि हमें एवोल्यूशन नजर नहीं आता है, और उसकी वजह ये होती है कि नहीं जी ये ओवर टाइम मिलियंस ऑफ मिलियन साल में होता है तो इंसानी आंख उसको नहीं देख सकती है। तो ठीक है, हम अगर इस चीज को ले भी लें तो इसी तरीके से इंसानी आंख जो प्लांट्स के अंदर जो शुरूर होता है उसको नहीं देख सकती, लेकिन साइंस ने इसको प्रूव किया है और बाकायदा रेफरेंसिंग दी गई है। आप आराम से इसको इसकी रिसर्च कर सकते हैं, गूगल के ऊपर कहीं भी डालें तो ये आ जाएगा।